मेरे दोस्त और बुजुर्गों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने कमाल में अकमल थे, अपने जमाल में अजमल थे, और खालिक़े कायनात ने इस सारी दुनिया को रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मारे थे वजूद बख्शा था, जब वो तशरीफ लाए अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, अब्दुल्ला के बेटे आमना के लाल महबूब सुबहानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे आपके शमाइल को बयान करूं। हजरत अली करमुल्लाह वजहू से पूछते हैं कि हमारे नबी की क्या शक्ल थी, क्या हुलिया था। अली मुर्तला फरमाते हैं कि प्यारे रसूल हबीबे किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कद के एतबार से ना दराज कद थे, ना कद पस्त थे, ना उनकी पस्त कद थी, ना दराज कद थी, बल्कि मियामा कद थी। लेकिन जब लोगों में बुलंद लोगों के साथ भी चलते थे तो आपका सर ऊंचा रहता था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कद मियाना थी मगर कोई आपसे ऊंचा नजर नहीं आता। आज भी जाओ मदीना मुनव्वरा में, जहां बड़ी बुलंद बुलंद बिल्डिंगें खड़ी हैं, जहां मीनार भी बड़े ऊंचे नजर आते हैं, मगर मोहब्बत की निगाह रखने वालों को रोजा ऊंचा नजर आता है, सब्ज गुंबद ऊंचा नजर आता है, उसकी नूर की शुआएं आसमानों तक जा रही हैं। मेरे दो शक्ल के बारे में अली मुर्तजा से पूछते हैं जो घर का है, वो फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सफेद सुर्खी मायल गंदवी गंदवी तीनों का मुजम्मा था, ऐसे खूबसूरत थे कि चेहरे में गंदवी गंदमी रूप भी आती थी, सुर्खी मायल भी चेहरा था, सफेदी भी उसमें थी, चमक उसमें थी, माथे में नूर था, आंखें खुलती थी तो नूर से पूरा इलाका मुनव्वर हो जाता था। मेरे दोस्तों, शक्ल में आपके रंग के बारे में जब सहाबा से पूछा गया तो एक सहाबी कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त पीछे आपकी पुश्त मुबारक को मैंने मालिश की थी, जब आपने फरमाया कि मेरी कमर को मर दो, जब आपने अपना दामन उठाया तो आपके पीछे चमक को देखकर चांदी भी शर्माती थी। मेरे दोस्तों, चेहरे में वो नूर था, वो चमक थी, वो खूबसूरती थी, वो बारौनक था, पुर नूर था कि उसको अगर चांद से भी तस्वीर दी जाए तो इंसाफ नहीं होगा कि चांद के मुंह पे छाए हैं पर मदनी का चेहरा साफ है।